बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड से चींटी नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप इसका संदर्भ जान लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग जान लीजिए कि इस प्रसंग में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की प्रसृमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। ये आपका प्रसंग हो गया। आइए हम अब व्याख्या देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चींटी को देखा। कवि कहते हैं, चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह साधारण विरल पतली काली रेखा, अर्थात पंक्ति, वह साधारण पतली पंक्तियां बनाकर चलती है। तम के तागे से, तम अर्थात अंधकार, यहाँ पे काला, तम के तागे से वह काले तागा अर्थात धागा, वह काली धागा के समान हिलडुल हिलडुल कर चलती लघुपद लघुपद अर्थात छोटे छोटे पैर को पल पल मिलजुल। वह काले धागे के समान हिलडुल कर अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुला कर चलती है। वह है पिपलिका पाती, पिपलिका अर्थात चींटी, पाती मतलब प्राणी, वह छोटी सी प्राणी चींटी है। आगे देखिए बच्चों, देखो ना, कवि कहते हैं, आपने देखा होगा किस भांति कि वह किस तरह काम करती है सतत सतत अर्थात निरंतर। आपने देखा होगा कि वह किस तरह निरंतर अपने कार्य को करती रहती है। कण कण करके और कण कण करके चुनती अविरत, अविरत अर्थात भोजन, और कण कण करके अपने भोजन को इकट्ठा करती है। गाय चराती धूप खिलाती। बच्चों, प्राणी शास्त्र में ऐसा माना गया है कि चींटियों में भी गाय होती हैं, तो कवि ने उसी तथ्य का वर्णन यहाँ पे किया है। गाय चराती धूप खिलाती, चींटी धूप में गाय चराती है, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की निगरानी अर्थात देखभाल भी करती है। लड़ती अरी से, अरी अर्थात शत्रु, लड़ती अरी से चींटी अपने शत्रुओं से लड़ लेती है, तनिक न डरती, वह शत्रुओं से अपने तनिक भी नहीं डरती है। आगे देखिए, दल के दल सेना संवारती, चींटी अपने दल और सेना को संवारती है, सजाती है, घर आंगन जनपथ बुहारती और अपने घर आंगन और रास्ते को भी बुहारती अर्थात साफ कर देती है। आगे देखिए बच्चों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी, श्रमजीवी अर्थात परिश्रम करके जो अपना जीवन यापन करता हो वह श्रमजीवी होता है, वह है श्रमजीवी। चींटी श्रमजीवी है, वह परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करती है। वह सुनागरिक, चींटी एक योग्य नागरिक है, उसमें योग्य नागरिक के सभी गुण है। आगे देखिए, देखो चींटी को। कवि कहते हैं, आपने चींटी को देखा होगा, उसके जी को, उसके शरीर को भी देखा होगा। उस भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन अर्थात कतरे के समान छोटी होती है। छिपा नहीं है उसका छोटापन, चींटी का छोटापन लघुपन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, फिर भी वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर बिना डर के विचरण करती है, घूमती है। आगे देखिए, श्रम में तन्मय चींटी परिश्रम में लगी रहती है, वह जीवन की चिनगी अच्छा है। चींटी का जीवन चिनगी अच्छा है अर्थात
कभी न समाप्त होने वाली, कभी न बुझने वाली चिंगारी के समान है। आगे देखिए, वह भी क्या देही है तिल सी। कभी कहते हैं आपने चींटी के देही अर्थात शरीर को देखा होगा, तिल सी उसकी शरीर तिल के समान छोटा होता है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से फिर भी वह शक्ति से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, दिन भर में मीलों चलती, दिन भर में मीलों तक चलती है, अथक कार्य से न टलती और कठिन से कठिन कार्य को करने से भी नहीं चूकती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।